पाली जिले के सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति आहोर के तत्वाधान में कस्बे के जवाई बांध रोड पर स्थित कृषि मंडी परिसर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि सुमेरपुर के जाखा नगर क्षेत्र से गुजरते पानावाला नाले में पिछले लंबे समय से केमिकल डाला जा रहा है। किसानों ने पहले भी प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी थी, जिस पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर किसानों ने आक्रोश में आकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं गौर से सुने। इसके तहत ही कैबिनेट मंत्री ने किसानों की समस्याओं को गंभीर बताया और संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी टीम गठित कर केमिकल डालने वाली गैंग को पकड़ने के निर्देश दिए। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। सुमेरपुर क्षेत्र में खिवांदी, बांकली, गोमावा, मोडू और चार पांच गांव है, वहाँ पे एक नदी निकल गया। नदी में कोई फैक्ट्री वाले केमिकल के टैंकर लाकर डालते हैं और केमिकल के टैंकर डालने से वहाँ प्रदूषण भी फैल रहा है और नदी भी दूषित हो रही है और वो पानी नीचे जाता है तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के कुएं और ट्यूबवेल भी दूषित हो रहे हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से शिकायत थी तो किसानों ने ये आंदोलन भी किया और आज अधिकारी एच डी साहब भी यहाँ थे, डिप्टी साहब भी यहाँ थे, विभाग के अधिकारी पेयजल वाले भी यहाँ थे। उनके विरुद्ध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए और एक टीम गठित करके इस संबंध में वो जाँच करेंगे। ये सुमेरपुर की पानावाला में पूर्व में हमें ये ज्ञापन मिला था कि यहाँ पर कुछ लोग अज्ञात लोग जो केमिकल डाल रहे हैं, तो इस संबंध में हमने हमारे डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने पूरा प्रयास किया था। हमारे जो सुमेरपुर की और शिवगंज की जो सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें केमिकल भरने की ऐसी कोई संभावना हो तो हमने सारा सर्वे करवा करके एक एक फैक्ट्री चेक कर ली थी। तो हमें स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई सोर्स इसका हमें मिला नहीं, बाहर से कहाँ से आ रहा है कैसा है, इस संबंध में हमारी पुलिस की जो लगी उसकी जाँच कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के आने से इसका कुछ समाधान निकला है और 6 महीने से प्रशासन उदासीन था। हमारा विरोध प्रशासन का था, प्रशासन कोई किसी को सुन ही नहीं रहा और सभा स्थल पर भी आने के लिए कतरा रहे थे। डीएसपी साहब तो आ गए, एसडीएम साहब तो ही जिद गए कि एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ मिल के आए, धरना स्थल में आने के लिए नट गए। हमने कहा अगर नहीं आएंगे तो हम भी आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी आने से इसका समाधान निकला है। अब वो FIR जो हमने इनके खिलाफ दर्ज करी है वो आज दर्ज हो जाएगी और जो 5 गांव जो प्रभावित है उनको तुरंत प्रभाव से अगले कल से जवाई का पानी दे देंगे और ये ट्यूबवेल से जो प्रदूषित पानी जा रहा था वो सभी बंद कर देंगे।